मैंने भी एक का उदाहरण दिया था जिन पे लोगों ने कहा था कि पुलिस गोली से मृत्यु हुई लेकिन पोस्टमार्टम में प्रतिबंधित बोर का तमंचा निकला का कारतूस निकला। वकील अहमद का मैंने उदाहरण दिया था। कई जगह इसी प्रकार की घटनाएं घटी हैं और जहां पर किसी ने आपत्ति करी तो वहां मजिस्ट्रियल जांच हो रही है। मजिस्ट्रियल जांच के बाद जो भी परिणाम आएंगे, कई जगह तो एसआईटी भी गठित है, एसआईटी की भी जांच चल रही है, अगर इस प्रकार के आरोप होंगे तो भी सामने आएंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चल रहा है, ये पैसा कौन ले रहा है? देखिए, इसके बारे में अभी पुलिस महानिदेशक की लंबी प्रेस आपके सामने हुई है और उन्होंने विस्तार से आपको इसका उत्तर दिया है। जो भी इस प्रक्रिया में जांच की प्रक्रिया चल रही है, एडीजी मेरिट रेंज इसको स्वयं से देख रहे हैं, जांच आने के बाद जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो होगी। मैंने कहा ना कि जांच की प्रक्रिया चल रही है, आने के बाद तत्काल नहीं होता। किसी भी चीज की जांच होती है और उसकी वास्तविकता की जांच होती है, उसके बाद कार्रवाई होती है, वो भी पुलिस महानिदेशक ने भी अपने उस पर बताया। देखिए अभी कई लोग पकड़े गए थे और कई लोग पकड़े गए उनकी अलग अलग लॉयल्टी दिखी है और ये भी जांच के दायरे में है, क्योंकि पीएफआई का में तमाम ऐसे सदस्य हैं जो सिमी के थे, वो आज पीएफआई के सदस्य बनकर काम कर रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ा है, अभी एमआईएम के भी कुछ पदाधिकारी गिरफ्तार हुए हैं और बड़ी तेजी के साथ पुलिस ऐसे लोगों को तह तक पहुंच रही है जिन्होंने दंगा को फैलाने में काम किया है, चाहे राजनीतिक दल हो या पीएफआई संगठन से जुड़े हुए अन्य संगठन हो। अगर दोषी हैं तो वो जांच के दायरे में जरूर आएंगे। रंजना जी, नहीं, उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि चूंकि ये केंद्रीय संस्थान का मसला है और केंद्रीय संस्थान के अंतर्गत वहां के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जांच बैठा ली है, तो जांच बैठाने के बाद जो उनके निष्कर्ष आएंगे तो उसके अनुसार ही कुछ कहने में सक्षम। दिलीप शुक्ला, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से लोग टिप्पणी थे उस पर कार्रवाई हुई, तो जो राजनीतिक दल है वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को भड़का रहे हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि राजनीतिक दलों को लोगों को भड़काने के बजाय शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए आगे आना चाहिए। जैसा कि माननीय जो दूसरे दलों के अध्यक्ष और महासचिव राष्ट्रीय अपने वक्तव्य दे रही थी, उनको ये समझना चाहिए कि सत्ताधारी दल से कम दायित्व विपक्ष का नहीं होता। अगर विपक्ष कहेगा कि उपद्रव करो और हम तुम्हें पेंशन देंगे, और कहेगा कि उपद्रव करो और आप बड़ी भारी आतंकवादी की गतिविधियों को भी आप आयाम दे रहे हो, आप देश में घुसपैठ भी कर रहे हो, आप बांग्लादेश के कहीं के हो, हम आपका संरक्षण करेंगे, आपको जाने नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। ये लोकतांत्रिक देश है और जनता इन सारी गतिविधियों को बड़ी बारीकी से देखती है, उसका जवाब देगी। नीलांशु, बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र भी है और बाहरी लोकतंत्र भी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम निष्पक्ष और न्यायपूर्ण उनका नेतृत्व, पारदर्शी नेतृत्व है जिसपे सारा संगठन गर्व करता है, और हमारे यहाँ सभी व्यक्तियों को अपनी बात कहने की आजादी है। ये उनका दल है जहां पर आजादी नहीं उदंडता है। हमारे दल में एक सांस्कृतिक तौर पे आपने देखा होगा कि एक बार अपनी बात रखने के बाद दोबारा सारे विधायकों ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का और सरकार के साथ कदम से कदम बढ़ाकर विपक्ष की आलोचना करी, वो एक उदाहरण है। धन्यवाद। अब वो उस संविधान को कोसे, उस सरकार को कोसे, अब इसको कोसते कोसते वो सुरक्षा भी, पहले प्रथा होती थी कि रक्षा से संबंधित जुड़े, चाहे सेना है, सैन्य प्रशासन है, उसके बारे में लोग टिप्पणी करने से बचते थे।
अब इन नेताओं का एक शौक हो गया है कि वो छपने के लिए इस प्रकार की गलत आरोप लगाते हैं। मैं समझता हूं मीडिया में छपने से बेहतर है कि आप चुप रहें और इस प्रकार की बातों से आप बचें। धन्यवाद। मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ पहले। धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हालांकि वर्ष 2020 दो दिन पहले शुरू हुआ है, लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस में जो उपद्रवियों के तुष्टीकरण और एक असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति में एक अलग 2020 मैच चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है। इस मैच का प्रारब्ध ये है कि कौन तुष्टिकरण में आगे निकले और कौन कितनी गाली, कितने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के भगवा के उनकी विचारधारा के प्रति कर सके। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने वक्तव्यों में नई नई बातों का उल्लेख किया है। हालांकि उनके जो दल के विधानसभा के नेता हैं वो उनसे भी आगे निकल गए और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो जो उपद्रवी हैं, जिनको पुलिस उपद्रवी कह के जिनकी फोटो को प्रकाशित कर रही है, जिनको जिनके सीसीटीवी फुटेज हैं, जिनके वीडियो फुटेज हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में चलाए गए फुटेज हैं या जिनके फोटोग्राफी में जिनके नाम आए हुए हैं या अन्य सबूत हैं, उनको वो संविधान रक्षक सम्मान पुरस्कार देंगे और उनको पेंशन देंगे। यानी आप उद्दंडता करिए, शायद पहला प्रदेश भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में बनेगा जहां उद्दंडता का सम्मान है। और ये शायद उनके डीएनए में पहले से ही दल के डीएनए में है ये कि आतंकवादियों को भी सम्मान देने की कोशिश की गई थी और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का जब प्रयत्न किया गया था तो माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और न्यायालय ने बाद में ऐसे खूंखार जघन्य अपराधियों को, आतंकियों को सजा भी दी थी। वही अपनी पुनरावृत्ति, अपनी पुरानी जो उनकी कार्यशैली है, आदत है, उसको दोहराते हुए आज का ये वक्तव्य कि हम अपने शासनकाल में आने के बाद उनके मुकदमे वापस करेंगे और यहाँ तक बोल गए कुछ लोग, उनके दल के सम्मानित नेतागण, कि हम रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो होंगे उनको यहाँ से जाने नहीं देंगे। पूरी दुनिया में लोग जो बाहर से घुसपैठिए होते हैं उनको बाहर जाने देंगे की बात करते हैं, यहाँ दल का लालच एक तुष्टिकरण की चरम सीमा को पार करते हुए यहां तक पहुंच गया कि वो घुसपैठियों को भी नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान बना गए थे और उनके संविधान में भारत की संप्रभुता, भारत की संरक्षण की व्यवस्थाएं विद्यमान थी और उसकी व्यवस्था यही रही है कि लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई कानून बन जाता है तो उस कानून का पालन करना हम सब के लिए, संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। माननीय नेता के द्वारा समाजवादी पार्टी के ये कहा गया कि हम जो है जो एनपीआर में कोई रजिस्टर नहीं कराएगा। भारत बदल रहा है, अब वो भारत सपेरों वाला देश नहीं है। वो भारत भीख मांगते हुए दिखाते थे लोगों को और दिखाने के बाद में पूरी दुनिया में प्रसारित होता वो वाला देश नहीं है। ये मोदी जी का डिजिटल इंडिया और हाथ में कंप्यूटर लिए हुए नौजवान का देश है। अब वो कहते हैं कि हम एनपीआर में रजिस्टर नहीं कराओ। सारी विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु, ध्रुव केंद्र बनेगा वो एनपीआर
के रजिस्टर में जो दर्ज होगा उसकी सूचनाओं का वो आधार बनेगा। आप देश की मुख्य धारा से लोगों को वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने का आह्वान कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि उनके प्रकृति में है और उनको शायद जानकारी का अभाव है तो अपने भाषणों में बोल देते हैं कि यहां पर रोजगार कम हो रहे हैं। रोजगार बढ़े हैं, हमारा 28% तो एक्सपोर्ट बढ़ा है और 28% एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ 1.5 लाख करोड़ से ऊपर के हमने न केवल MOU साइन करके उनको कार्य धरातल पर हम ले आए हैं। आज आप जाकर देखें तो नोएडा में आपको सैमसंग का, आपको तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल और मोबाइल्स की आपको फैक्ट्रियां चलती भी दिखाई पड़ेंगी, तमाम चीनी मिलें जो बंद पड़ी थी वो फिर से चलती भी दिखाई पड़ेंगी, कुछ चीनी मिल नई दिखाई पड़ रही हैं, दर्जनों मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से हम जिले जिले में रोजगार, छोटे छोटे रोजगारों को पैदा करने की तरह बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। चारों तरफ आप देखें तो हमारे एक्सप्रेसवे, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर रहा हो, तमाम बड़ी योजनाओं को आप लखनऊ ऐसी जगह जाएंगे तो आउटर रिंग रोड जो है काफी कई 100 करोड़ रुपए का वो बन रहा होता है, तो कहीं गोरखपुर लिंक रोड बन रहा होता है। चारों तरफ विकास की अवधारणाओं ने अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा किए हैं और हमने सरकारी में पुलिस की भर्तियों में भी काफी हमने आगे बढ़कर हमने उसको पारदर्शिता के साथ किया है। हमने माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा में भी हजारों की संख्या में हमने वहां के अध्यापकों की भर्ती की है। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में भी अंतिम चरण पे कई हजार लोगों की भर्ती का क्रम अंतिम चरण पे है। तो ये कह सकते हैं कि रोजगार सृजन की दृष्टि से हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। उनका उनकी सरकार में तो पता चलता था कि 2-3 जिले होते थे वो VIP घोषित हो जाते थे और VIP घोषित होने के बाद में पता चलता था कि वहीं पर बिजली आएगी बाकी में नहीं। आज हमारा उत्तर प्रदेश में हम 24 घंटे शहरों में, 20 घंटे हम तहसील स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक बदला हुआ उत्तर प्रदेश से मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के नज़र जो है वो बदली है और उनको दिखाई नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। आप जानते हैं कि 400 से अधिक दंगे पिछली सरकार में हुए थे, हमारी सरकार में सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। दंगा कराने की साजिश लोगों ने किस द्वारा की गई है, उनको कुछ लोगों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई दिखाई पड़ती है, लेकिन 62 पुलिस कर्मियों के ऊपर जो पुलिस फायर से घायल हैं, जो उनके बारे में वो कुछ एक शब्द नहीं बोलते। वो आदमी नहीं है क्या? वो आपके यहाँ पे प्रदेशों की रक्षा नहीं कर रहे थे क्या? लेकिन आज इस प्रकार की बातों को कह के मैं समझता हूँ कि आज पुरानी परिभाषा को आज दोहराया जा रहा है कि जिसमें आतंकवादियों के मुकदमे को वापस लेने का काम किया गया था, आज हम कह रहे हैं कि NPR का रजिस्टर नहीं भरेंगे। आप करेंगे क्या? आप अगर NPR का रजिस्टर नहीं भरेंगे तो आप मुख्य विकास धारा से आप लोगों को अलग हटाना चाहते हैं क्या? आज अगर देखें तो जो दुर्दांत घटनाएं हुई हैं, मेरठ ऐसे जिले में तो 30 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र हुआ था और पूरा चारों तरफ आग लग गई थी। RAF के जवान और पुलिसकर्मियों ने किसी तरीके से अपने को बचाने में सफलता पाई थी। आज ऐसी घटनाओं के बाद आप कहें कि उस घटनाओं में संलिप्त लोग, जिनके CCTV फुटेज हैं, जिनके सोशल मीडिया में मैसेज कवर किए गए हैं, जिन्होंने हिंदी उर्दू और बंगाली में पर्चे जिनके छपे हुए थे उत्तेजनात्मक, जिनको हमने सबूत के आधार पर जिनको हम पकड़ रहे हैं, उनको आप कहते हैं संविधान संरक्षक, हम और उनका सम्मान करेंगे, पुरस्कार देंगे, पेंशन देंगे। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का वातावरण तैयार करने की कोशिश की गई थी, लखनऊ का उदाहरण लें कि लखनऊ में एक नौजवान की मृत्यु हुई थी प्रदर्शन के दौरान, वकील अहमद की, उनके पिता को मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों ने पर्दाफाश किया है, उनकी नेताओं से कहा, उन्होंने जो उनको भड़काना चाहते थे कृपया मुझे भड़काने की कोशिश ना करें, मुझे पुलिस और प्रशासन पर भरोसा है।
तो ये लोगों का भरोसा यहाँ पर आया है, बढ़ा है, लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है और तेजी के साथ में स्थिति को सामान करने में सफलता प्राप्त करी है, शायद ये एक दर्द है विपक्ष का, और इस दर्द को वो छुपाने की जगह वो तरह तरह नई घोषणाएं करते हैं। कांग्रेस कहती है हम वकील देंगे, सपा कहती है हम पेंशन देंगे, और पेंशन के साथ साथ कहते सम्मान संरक्षक पुरस्कार देंगे। आप क्या देंगे ये आप जाने, लेकिन आप इस देश को वो दे रहे हैं जो देश के संविधान की विरुद्ध आचरण की प्रवृत्ति है, वो आप दे रहे हैं। आप वो दे रहे हैं जो लोगों को अलग करना चाहते हैं, जो यहाँ पर भटकाव की राजनीति करके लोगों में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, पुलिस के खिलाफ आक्रोश करा के जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अराजक तत्व हैं उनको आप प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा अनर्गल प्रलाप था जिसने संविधान के को चुनौती दी है, संविधानिक प्रवृत्तियों को चुनौती दी है, और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कहा गया है किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में यहां पर हम संविधान की रक्षा भी करेंगे, लोगों की सुरक्षा भी करेंगे, और साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि एक भी निर्दोष व्यक्ति के साथ कोई दंडात्मक क्रिया ना हो। हम जनजागरण भी करेंगे, जगह जगह पर इनके लोगों का पर्दाफाश भी करेंगे कि जिस प्रकार से दुष्प्रचार करके लोगों को भड़काने की का काम किया गया था। और मैं समझता हूँ कि आज जो स्थितियाँ हैं तो बधाई दूंगा कि उन्होंने भारतीय जो स्वच्छ भारत मिशन है उससे जोड़कर जो उन्होंने गोरखपुर ऐसे जगह पर इंसेफ्लाइटिस का जो प्रकोप था या अन्य प्रकार की बीमारियों का था उस पर काबू नियंत्रण पाया। माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि इतने हजार मृत्यु हो गई, आपको आरोप लगाने से पहले सूची प्रस्तुत करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि झूठा आरोप लगाकर किसी को भी आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। सरकार ने पूरी तरीके से, चाहे वो एम्स के द्वारा, एम्स में तो ओपीडी भी चालू कर दी है, वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका बिल्कुल दिशा परिवर्तन हो गया है। आज तमाम दवा जो महंगी से महंगी दवा है वो भी लोगों को उपलब्ध हो रही है। तो ऐसा वातावरण पूरा, कई दर्जन मेडिकल कॉलेज नए खुल रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड किया गया है, पूरे प्रदेश में एक अलग स्वास्थ्य के बारे में हो, शिक्षा के बारे में हो, आपके सुरक्षा के बारे में हो, पूरी तरीके से पारदर्शी बनकर सरकार ने काम किया है। मैं समझता हूँ कि जो NPR का विरोध है ये संविधान विरोधी है और इससे बचना चाहिए था। और जो कहते मुकदमे वापस ले लेंगे, आप अपराधियों के मुकदमे तो आतंकवादियों के आपने पहले भी वापस लिए थे, कोर्ट ने उनको निग्लेक्ट किया और दंड भी दिया। और जो आप कहते हो कि यहाँ पर रोजगार नहीं बढ़े, मैंने कहा कि रोजगार तो यहाँ पर पहले के उनकी सरकारों के अपेक्षा कई गुना ज़्यादा बढ़े हैं। और मैं उन बहादुर पुलिसकर्मियों को भी बधाई दूंगा जिन्होंने अपनी जान पर खेल के और यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की। हम धर्मगुरुओं का भी आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने सरकार की पहल को पहचाना और कई जगह पर जो धार्मिक उलेमा थे, धर्मगुरु थे, उन्होंने भी एक सकारात्मक पहल करी। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश आज शांति व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है। जो भी यहाँ पर मैंने कहा 2020 मैच खेल रहे हैं, वो उन लोगों से मैं अनुरोध यही करूँगा कि आप मैच आपस में खेलो एक दूसरे का वोट काटने का। सपा वोट काटना चाहती है, कांग्रेस के पास तो वोट ही नहीं है, कांग्रेस चाहती है कि बसपा का वोट काट लें, और सपा चाहती है कि हम जो है बसपा का काट लें और कांग्रेस को बिल्कुल वो कर दें, क्योंकि भाजपा का ये वोट काट नहीं सकते। 19 में हारे, 17 में हारे, अभी उपचुनाव हुए, 12 में से 9 सीटें बीजेपी जीती, तो ये बीजेपी का जान रहे कि बीजेपी का वोट कटेगा नहीं। ये आपस में तीनों एक दूसरे का वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं। कभी कांग्रेस चंद्रशेखर को लाती है, कभी कांग्रेस किसी प्रकार की तुष्टिकरण में सपा से आगे निकलने की होड़ करती है। तो इनके कारण आज ये जो नेता हैं वो अनर्गल प्रलाप के द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित करने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। यही सारी बातें आपसे कहनी थी। और कोई विषय रहेगा? समाजवादी पार्टी के
हमें ये आरोप लगाया है कि सरकार लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है, रोजगार और जमीनी मुद्दों से दूर कर रही है। मैंने पहले जवाब दिया आपको कि 1.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अब आज धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। आप नोएडा में चले जाइए, वहीं पर लाखों की सर्विस जो है आप चाहे वहां पे देखिए तो आप सैमसंग का आपको बड़ा कई 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ेगा जो काम शुरू कर चुका है। ओप्पो का कई 1000 करोड़ का शुरू कर चुका है। एमआई का कई 1000 करोड़ का वहां पर वो इन्वेस्टमेंट शुरू होकर वहां पर प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। कई एम्स बने हैं, कई मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कई चीनी मिलें शुरू हुई हैं। ये आपको मैंने एक्सप्रेसवे और तमाम चीजें बताई, ये रोजगार सृजन के ही अवसर प्रदान कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों का भी मैंने विवरण दिया है, तो उनका ये कथन सही नहीं है।